दिस इज ज्योग्राफी क्लास फॉर क्लास 10. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड और डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लासेस अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज एंड वी आर नाउ स्टडिंग हियर लैंड और सॉइल रिसोर्स. इन सॉइल रिसोर्स एज वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास, नाउ द टॉपिक इज लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स. आखिर क्या कारण है कि हमारी भूमि जो है वो बेकार हो जाती है, या फिर उसको कैसे हम कंजर्व करेंगे, कैसे बचाएंगे, क्या क्या तरीका हो सकता है. सो वी हियर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आर देयर आर अबाउट 130 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया. अप्रॉक्स 28% ऑफ इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ फॉरेस्टेड डिग्रेडेड एरिया. 56% वाटर एरोडेड एरिया. रेस्ट अफेक्टेड बाय सैलिन एंड एल्कैलिन डिपॉजिट्स. ये तो नेचुरल तरीके से हो गया कि किस तरह से हमारे यहाँ जो जो हमारा जो टोटल लैंड है उसका 130 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड, यानी कि वो उसकी उपजाऊपन खत्म हो गई है या वो कृषिगत कार्यों के लिए भी बचा हुआ नहीं है. तो इसमें ये 28% कैसे है, 56% कैसे है, आपने देख लिया. इसके अलावा कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है लैंड डिग्रेडेशन का, जैसे डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, क्वेरिंग. ये सारे जो काम हैं इसने लैंड डिग्रेडेशन के कॉज को बनाया है, या इनके चलते लैंड डिग्रेडेशन बहुत तेजी से हुआ है. तो हमें क्या करना है, कंजर्व करने के लिए हमें इनको बचाना पड़ेगा. जैसे कि वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम को दूर करना होगा, ओवरग्रेजिंग प्रॉब्लम को दूर करना होगा, माइनिंग को सेव करना होगा. क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि जब हम माइनिंग कर लेते हैं तो नीचे का पार्ट खोखला हो जाता है और ऊपर के हिस्से में जो परत रह जाती है वो कभी भी धंस जाती है और वहाँ बहुत बड़ा लॉस हो जाता है. इसलिए इसको बचाना पड़ेगा सेफली, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्वेरिंग को भी सेफली करना होगा. इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन को रोक करके फॉरेस्टेशन करना होगा, जंगलों को ज्यादा से ज्यादा लगाना होगा, ये ध्यान रखना होगा. अब हम देखते हैं सॉइल एज अ रिसोर्स तो कैसे है. तो अगर आप मिट्टी को खुदाई करेंगे तो देखेंगे कि नीचे हर गहराई तक जाते जाते कई लेयर आते हैं और कई कलर भी दिखाई पड़ते हैं. यहाँ पर हम देखते हैं जो सबसे ऊपरी परत होती है जिसको हम लोग टॉप सॉइल कहते हैं, इसमें क्या होता है कि माइक्रोब्स होते हैं, पेड़ों की पत्तियां भी गिरती हैं और ये सारे जो वेस्टेज मिल जाते हैं ये क्या बनाते हैं आप बताएं. ये जो सारे चीज ऊपर मिलते हैं ये सारी चीजें इस ऊपर पार्ट को जो है वो काफी फर्टाइल बना देते हैं, और इसके चलते ही एग्रीकल्चर वर्क इसके अंदर हो सकता है. दिस इज कॉल्ड ह्यूमस. ये ह्यूमस को बनाते हैं और ह्यूमस ही है जिसके चलते जो है वो एग्रीकल्चर हो सकता है या प्लांट ग्रो कर सकते हैं. आप 2 फीट गहराई कर दीजिए और उसके बाद प्लांट को बोइए, देखिएगा नहीं होगा, क्योंकि वहां पर ह्यूमस नहीं है. उसके बाद नीचे है सब सॉयल, यानी कि यही मिट्टी धीरे धीरे ऊपर जाती है और फिर इसमें ह्यूमस मिल जाता है, टॉप सॉयल बना देता है. उसके बाद जो है वो पैरेंट रॉक जो है यानी कि चट्टान वगैरह और पत्थर के टुकड़े आने लगते हैं, और सबसे नीचे है पैरेंट बेड रॉक, यानी कि बड़े बड़े चट्टान हैं और जो धीरे धीरे वेदर होते हैं टूटते हैं और फिर ऊपर आते हैं, फिर ऊपर आते हैं, फिर ऊपर आते हैं, और इस तरह से टॉप सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं. अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल. तो कई तरह से क्लासिफाई किया जाता है, कलर के आधार पर जाता है, उनके टेक्सचर के आधार पर किया जाता है, यूज के आधार पर भी किया जाता है, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कलर एंड टेक्सचर के आधार पर. पहला है एल्यूवियल सॉइल. एल्यूवियल सॉइल का मतलब क्या होता है, जो नदियां अपने द्वारा मिट्टी जो डिपॉजिट्स लेकर आती हैं उसके चलते जो सॉइल बनता है वो एल्यूवियल सॉइल होता है. और एल्यूवियल सॉइल जो होता है वो एज ए होल वेरी फर्टाइल होता है, क्योंकि सारे कंपोनेंट्स इसमें एडिक्वेट अमाउंट में मौजूद रहते हैं, इसलिए ये खेतों के, ये प्लांट्स के लिए, हर तरह के पौधों के लिए काफी उपयोगी माना जाता है. अब इसमें भी दो क्लास हो जाते हैं, एक बांगर और एक खादर. बांगर इज ओल्ड एल्यूवियल एंड खादर इज न्यू एल्यूवियल. बांगर का मतलब क्या होता है कि वैसा लैंड जहाँ पर बाढ़ का पानी जाते जाते वहाँ पर डिपॉजिट बढ़ता गया और वो थोड़ा सा ऊपर हो गया और वहां पर अब बाढ़ का नया पानी नहीं जा सकता, इसलिए नए डिपॉजिट नहीं जाते हैं. तो वहां पर अब जो है वो पत्थरों के या कंकड़ के पार्ट मिलने शुरू हो जाते हैं, यानी कि वहां पर जो है वो जो पार्टिकल्स होते हैं, कंकड़ जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं और ये इसकी फर्टिलिटी भी कम हो जाती है, इसको बांगर कहते हैं. और जो लोअर पार्ट होता है जहाँ पर बाढ़ का पानी हर बार जा रहा है, वहां पर नई परत मिट्टी की आगे पड़ रही है, जमा हो रही है, इसको हम लोग खादर बोलते हैं या न्यू एल्यूवियल कहते हैं. ये काफी उपजाऊ होता है और यहाँ के जो सॉइल पार्टिकल होते हैं वो काफी फाइन होते हैं, जबकि ये कोरस हो जाते हैं. सेकंड है ब्लैक सॉइल. ये आपको एल्यूवियल सॉइल जो होता है वो जो इंडिया का जो प्लेन एरिया है, जैसे बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, ये जो पूरा रीजन है जहाँ पर नदियां बह रही हैं, उस रीजन में ये सॉइल पाए जाते हैं. इसके बाद ब्लैक सॉइल.
इसे ऑल्सो कॉल्ड रेगुर सॉयल और कॉटन सॉयल। कॉटन सॉइल क्यों कहते हैं? क्योंकि काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कपास की खेती की जाती है और ये फिट फॉर कॉटन, इसके लिए इसको हम लोग कॉटन सॉइल भी कहते हैं। अब ये आप जानते हैं कि दक्कन रीजन में जो है वो बेसाल्ट रॉक से और वहां पर जो लावा वगैरह जमा, तो वो जो ऊपरी परत उसकी बनी वो काफी ब्लैक हो गई, इसलिए इसका कलर भी ब्लैक होता है, इसलिए इसको ब्लैक सॉइल भी कहते हैं। और ये कॉटन के लिए काफी उपजाऊ होता है, काफी अच्छा माना जाता है। तो जो पूरा रीजन है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का रीजन, गुजरात का रीजन, ये पूरा एक बेल्ट है जिसको हम लोग ब्लैक सॉइल या कॉटन बेल्ट के रूप से जानते हैं। अब इसमें इस कॉटन सॉइल की एक खूबी होती है, क्या खूबी होती है इसकी, कि अगर ये सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, तो एकदम रॉक के जैसा, पत्थर के जैसा हार्ड हो जाता है जिसमें हल नहीं चलाया जा सकता है। और अगर ये गीला हो जाता है तो फिर ये इतना स्टिकी हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है कि ये चिपकने लगता है और इसमें हल नहीं चलाया जा सकता है। तो ये खास इसका कैरेक्टर है। इसलिए जो फर्स्ट सॉइलिंग होती है, पहली बार हल्का फुल्का बारिश होती है तभी इस खेत की जुताई कर दी जाती है। इसके बाद रेड एंड येलो सॉइल, ये आपको उड़ीसा और झारखंड के कुछ रीजन में मिलेगा। जब ये इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है इसलिए ये रेड दिखाई पड़ता है। जब बारिश होती है, जब ये डिहाइड्रेटेड हाइड्रेटेड हो जाता है, जब ये गीला हो जाता है, तो इसका रंग पीला होने लगता है। लैटराइट सॉइल, ये बेसिकली जब जहाँ पर खासतौर से पहाड़ी ढालों के ऊपर जो सॉइल होती है, जहाँ पर पानी बहुत तेज गिरता है या बारिश बहुत तेज होती है, तो इसका ऊपरी हिस्सा बह जाता है और केवल कंकरीला या पथरीला भाग रह जाता है, यानी कि ह्यूमस इसमें बिल्कुल नहीं रहता है, तो ये लैटराइट सॉइल कहलाता है और ये फर्टाइल नहीं होता है। लेकिन आधुनिक टेक्नोलॉजी से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हेल्प से और बाकी चीज़ों को हम यूज़ करके, फर्टिलाइजर वगैरह को यूज़ करके, इसको भी हम एग्रीकल्चर के लायक बना सकते हैं। ये भी आपको झारखंड और जो हिली रीजन है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। एरिड सॉइल वो होता है जिसमें सैंडी टेक्सचर्स ज़्यादा होते हैं और यह सैलिन होता है नेचर में। दूसरी इसकी खूबी क्या होती है कि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, यानी कि ये पानी जो है वो तुरंत सोख लेता है, पानी को स्टोर नहीं कर पाता है। इसलिए इसमें एग्रीकल्चर तो किया जा सकता है लेकिन इसके लिए इरिगेशन फैसिलिटी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो राजस्थान का जो रीजन है उस रीजन में आपको एरिड सॉइल मिलेगा, और पहाड़ी एरिया में हम जाते हैं तो वहाँ फॉरेस्ट सॉइल मिलता है। इसमें क्या होता है कि जो वैली साइड यानी कि पहाड़ के नीचे की जो घाटियाँ हैं वहाँ पर तो ये लोमी और सिल्टी सॉइल होता है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं ये कोर्स हो जाता है, खुरदरा हो जाता है और इसमें उपजाऊपन कम रहता है। और बिल्कुल जब हम ऊपर जाते हैं जहाँ पर बर्फ वगैरह ढके रहते हैं वहाँ पर तो एग्रीकल्चर टास्क करने के लायक नहीं होता है। इसमें एक टॉपिक आपका और बचा हुआ है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम हिस्ट्री शुरू करेंगे।